नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में 28 जून 2023 को भारत माता मंदिर के पास चंदुआ मंडी में NSUI कार्यकर्ताओं ने सब्जी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी NSUI के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ सब्जी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। NSUI जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार रसोई घर पर वार कर रही है, भारत की गृहस्थी महिलाओं को परेशान कर रही है। आज वर्तमान समय में रसोई गैस के दाम 1200 हो गए हैं, टमाटर हीरा के दाम पर बिक रहा है, अदरक 250 रुपये किलो है। एक तरफ भाजपा सरकार देश के प्रधानमंत्री 9 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। इस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है महंगाई, जिससे भारत का हर नागरिक परेशान है। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिसका हम सब NSUI के साथ ही विरोध करते हैं। और अगर महंगाई कम नहीं हुआ तो इससे बड़ा आंदोलन करने का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पांडे, प्रदेश सचिव शिवम चौबे, गौतम शर्मा, इकाई अध्यक्ष लोरिक यादव, अनुराग राय आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।